हर्षण, इस बीच कांकेर से एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क लैंडमार्क रॉयल इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर वरुण जैन को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों के लिए 25 वॉकी टॉकी सेट, वर्दी, कपड़ा, जूता और लाखों रुपए सहित अन्य सामग्री पहुंचा रहा था। 10,000 रुपए का इनाम भी था इन पर। तो इस बार एक बड़ी सफलता मिली है नक्सलियों के शहरी नेटवर्क के मामले में, वरुण जैन को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी अपडेट बता रहे हैं। चलिए इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा एडिशनल SP कांकेर कीर्तन राठौर, ये सुनाते हैं। फिर उसका सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक कुमार पुड़ो। प्रकरण के आरोपी तपस पालित की गाड़ी से नक्सलियों को सामान ले जाते हुए पकड़ा गया था। उस प्रकरण में आज महत्वपूर्ण ये तारीख भी है जिसमें प्रकरण के अभी तक के फरार आरोपी वरुण जैन को गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा प्रकरण में अभी तक कुल 14 की तारीख हो चुकी है और इस प्रकरण के अभी तक विवेचना में इनके द्वारा लगातार पिछले 2018 से 2-3 वर्षों से नक्सलियों के लिए वर्दी, वायरलेस सेट, कपड़ा और रुपए के साथ साथ अन्य सामग्री दिया जाना पाए गए हैं। एक अंकित पुलिस को राजनंद गांव पुलिस के माध्यम से इसको गिरफ्तार करने में पूर्ण सफलता प्राप्त। दीपक जी, एक बड़ी खबर है, क्या कुछ जानकारी इस पर? जी देखिए, लगातार कांकेर पुलिस को नक्सली को शहरी नेटवर्क में सफलता मिल रही है, बड़ी हाथ लगी है। और जो 10,000 की नाम घोषणा किए थे, जो अभी जो पकड़ाया है, तो ये राजनांदगांव से आरोपी पकड़ाया है। उसके बाद राजनांदगांव पुलिस ने कांकेर पुलिस को इसको सबूत कर दिया गया है। और इस जो इस गिरफ्तारी से नक्सलियों का जो शहरी नेटवर्क है, इसमें काफी बड़ा जो वो है, नक्सलियों का कमर टूटा है। और लगातार इसमें अब तक 14 लोगों की गिरफ्तार हो चुकी है। और जिस प्रकार से जो पुलिस एडिशनल SP सर है, उनका कहना था कि ये जो ये 14वां आरोपी है, ये सबसे बड़ा वाकी टॉकी चाहे कहे या चाहे नकदी पहुंचाने वाला ये जो आरोपी था, जो अभी पकड़ाया है वो। जी, ये प्रमुख आरोपी पकड़ा गया, पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। किस तरह देख रहे हैं पुलिस की सतर्कता को इस मामले पर, क्योंकि लगातार प्रदेश में शहरी नेटवर्क जो नक्सलियों का वो मंडराता दिख रहा था, जिस पर कहीं ना कहीं पुलिस सतर्कता दिखाते हुए इस पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ करने में कामयाब हुआ है? जी देखिए, अगर हम कहें तो लॉकडाउन के पहले से लगातार इसमें पुलिस जो है शहरी नेटवर्क पर लगातार नजर बनाई हुई थी और लगातार पिछले 70 दिनों से इस पे काम कर रही थी लगातार पुलिस। और ये जो महत्वपूर्ण सफलता हाथ लग रही है कांकेर पुलिस को, ये कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय है। चले चले दीपक जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।